जिक्र शुहदा करबला के दस रोजा जलसा के दूसरे दिन मौलाना नादिर हुसैन कौम के खिताब फरमाते हुए पैगम्बर साहब के पहले खलीफा हजरत अबा को सिद्दीक के बारे में बयान किया इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग तकरीर में शामिल हुए अंजुमन निस्लाहुल मुस्लिमिन दुर थे थे। मुस्लिम कमेटी द्वारा दुर्ग के तकिया पारा ईदगाह स्थित मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में दस रोजा जलसा में करबला के जंग में शहीद हुए बहत्तर शहीदों पर बयान किया जा रहा है इसी कड़ी में कौम को खिताब फरमाते हुए हजरत मौलाना नादिर हुसैन किबला इलाहाबादी ने अपने दूसरे दिन की तकरीर में पैगम्बर साहब के सबसे सच्चे वफादार साथी हजरत अबू बकर सिद्दीकी के बारे में बताया उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मोहम्मद साहब का कलमा पढ़कर सबसे पहले मुसलमान हुए हजरत अहूबक सिद्दीक ने एक बार हुजूर पाक के कहने पर अपनी सारी दौलत गरीब मिस्किन बेसहारा यतीम लोगों के बीच बांट डाली अरब में आपका शुमार इज्जतदार असर अंदाज लोगों में हुआ करता था आप जब कुरान शरीफ की तिलावत करते थे तो आपकी सुरीली आवाज सुनकर इतना प्रभावित होते थे और कलमा पढ़ लेते थे आपके दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ हुआ करता था इसी तरह से मौलाना नादिर हुसैन ने हजरत अहूबक सिद्दीकी के जीवन पर अन्य बातें बयान करते हुए पैगम्बर साहब के सबसे नज़दीकी और एहतराम करने वाले बताया इस अवसर पर तकिया पारा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंसूर रजा जामा मस्जिद के इमाम मौलाना कयूम अशरफी और मस्जिद बहार शरीयत के इमाम शमशीर अशरफी सहित शहर भर के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की, की रिपोर्ट